हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मिलिंद कुमार गौतम और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं इस वीडियो में बहुत ही इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन आपको समझाऊंगा, जो कि है कोल्ब रिएक्शन या फिर कोल्ब स्मिट रिएक्शन। दोस्तों, ये रिएक्शन सीबीएसई बोर्ड एकेडमिक्स के लिए तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन कंपटीशन एग्ज़ाम में कैसे पूछी जा सकती है, किस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो, समझाने का तरीका अच्छा लगता हो, कंटेंट अच्छा लगता हो, तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब डेफिनेटली कीजिए। नीट और जी मेंस के एग्जामिनेशन आ रहे हैं, उसके प्रोस्पेक्टस से मैंने कुछ वीडियोस बनाए हैं, उनको आप ज़रूर देखें, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि बेसिकली कोल्ब्स रिएक्शन क्या होता है, उसकी मैकेनिज्म क्या है, और लास्ट में हम क्वेश्चंस देखेंगे। वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। देखिए, सबसे पहले हमने ये लिया फिनॉल और लिया NaOH प्लस CO2 और टेम्परेचर होता है 125 डिग्री सेंटीग्रेड, 5 to 6 ATM प्रेशर। क्या होगा, डायरेक्टली रिएक्शन बता रहा हूँ, तो डायरेक्टली मैं बना भी दूंगा और बाद में इसकी मैकेनिज्म समझेंगे। ये बना, अब लास्ट में हम इसका करते हैं हाइड्रोलिसिस, एसिडिफिकेशन कह सकते हैं आप। तो ये देखिए क्या बनेगा, OHCOOH, ठीक है, और ये बना है सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जब हम यहाँ पर NaOH लेते हैं तो यहाँ पर ऑर्थो प्रोडक्ट मिलता है, लेकिन जब यहाँ पर आप KOH लेते हैं तो ऑर्थो प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, पैरा प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन ही आपसे पूछा जा सकता है। अब उसके बाद हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे। मैकेनिज्म इसकी बहुत आसान है और ये मैकेनिज्म CBSE एकेडमिक्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। देखिए, फिनॉल लिया और NaOH लिया। आपको पता है फिनॉल एसिड है, NaOH बेस है, दोनों रिएक्शन करेंगे, क्या बनेगा, एक सॉल्ट बनेगा, वो इस तरीके का होगा, ठीक है, प्लस H2O। इसका नाम होता है सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है, सोडियम फिनॉक्साइड। अब ये सोडियम फिनॉक्साइड में हम रेजोनेंस करेंगे और फिर हम एक इलेक्ट्रोफिलिक अटैक करेंगे। आप देखिए किस तरीके से रेजोनेंस होती है। ये जिन स्टूडेंट्स को रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा वीक है, नहीं आता है, वो एक बार मेरे एक वीडियो है जो रेजोनेंस के ऊपर है, उसको देख सकते हैं। ये यहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर आएगा, इस तरीके से बॉन्ड ये डिलोकलाइज होगा। अब आप देख लीजिए, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ पर, तो अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। फिर उसके बाद ये यहाँ पर, ये यहाँ पर आएगा, और फाइनली ये बॉन्ड एरोमेटाइज हो जाएगा और फिर से आपको ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज मिल जाएगा, ठीक है, ओके। तो इस तरीके से आप देखते हैं रेजोनेंस होती है फिनॉक्साइड आयन में। अब ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें ऑर्थो प्रोडक्ट चाहिए था और ऑर्थो पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं एक ये वाला स्ट्रक्चर जिसमें ऑर्थो पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज है, और एक ये वाला स्ट्रक्चर, इसमें भी ऑर्थो पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज है। तो इन दोनों में से हम कोई एक स्ट्रक्चर ले लेंगे, क्योंकि ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर मिलता है कोल्ब रिएक्शन में, इसीलिए हम इन दोनों में से ही किसी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर क्या होगा। हमने लिया कोई एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जैसे कि ये ले लेते हैं, ठीक है। आपको पता है कि जो CO2 है उसमें इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ये पार्शियली नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा, पार्शियली पॉजिटिव, ठीक है।
अब ये यहां पर अटैक करेगा, ठीक है, ओके। तो यहां पर जो कार्बन है वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की तरह काम करता है, मीन्स एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज की तरह काम करता है, और इस पर्टिकुलर कार्बन पर, ऑर्थो कार्बन पर ये अटैच हो जाएगा। अब इसमें क्या होगा, कुछ इस तरीके से देख लीजिए आप। ये एच जो ऑर्थो पोजीशन पर ऑलरेडी अटैच है उसके साथ में ये अटैच हो गया, क्योंकि आप जानते हैं जैसे ही ये ऑर्थो का जो कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफर करेगा कार्बन को, CO2 के कार्बन को, ये एक बॉन्ड आगे शिफ्ट हो जाएगा और वो एक इलेक्ट्रॉन पेयर यही है, ठीक है। बाकी जो बेंजीन में बॉन्ड पेयर और इलेक्ट्रॉन पेयर, इनकी जो अरेंजमेंट होगा वो एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा आगे जो मैं बताने वाला हूँ, यहाँ से ये एच रिमूव होगा और ये बॉन्ड बेंजीन के अंदर आ जाएगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि एच प्लस जो ये ऑर्थो पोजीशन से रिमूव हुआ वो कहाँ माइग्रेट हुआ है, ध्यान रखिएगा वो माइग्रेट हुआ है इस पोजीशन पर, ठीक है। वो माइग्रेट होगा ऑक्सीजन पर जो कि बेंजीन से अटैच है, ना कि इस पोजीशन पर, ध्यान रखिएगा। ये मैकेनिज्म का एक पार्ट है जो बहुत जरूरी है। अब क्या बनेगा, ये ओ एच सी ओ ओ माइनस, ठीक है। अब उसके बाद हाइड्रोलिसिस कर दीजिए या फिर एसिडिफिकेशन कह दीजिए, क्या होगा, ये ओ एच बन गया और ये सी ओ ओ एच बन गया। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि ये वाला जो हाइड्रोजन है वो कहाँ से आया है, वो ऑर्थो पोजीशन पर जो हाइड्रोजन था वहां से आया है, और ये वाला हाइड्रोजन कहाँ से आया है, जो एसिडिफिकेशन हुआ है वहां से आया है। तो आपको ध्यान रखना है इस चीज का, ये हाइड्रोजन ऑर्थो पोजीशन का हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन किसका है, जो एसिडिफिकेशन हुआ है उसका हाइड्रोजन है, ठीक है। आपको क्लियर हो गई मैकेनिज्म। अब मैं आपको एक दो क्वेश्चन पूछता हूँ जिससे आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि मैकेनिज्म पर कोल्ब रिएक्शन के से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है दिया हुआ है, कंप्लीट द फॉलोइंग प्रोडक्ट का, ठीक है, ये CO2 और दूसरा है H+, ये लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ऑर्थो पोजीशन का जो कार्बन है वो ड्यूटीरियम से अटैच है, लेकिन दूसरा वाले में क्या होगा, जब नहीं दिख रहा है तो वो ऑब्वियसली हाइड्रोजन से ही अटैच होगा। अब आपको ध्यान ये रखना है कि CD यानी कार्बन बॉन्डेड विथ ड्यूटीरियम इज अ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड देन कार्बन बॉन्डेड विथ हाइड्रोजन, ठीक है। मीन्स ये वाला जो बॉन्ड होता है ड्यूटीरियम का वो स्ट्रॉन्गर होता है इस CH बॉन्ड के कंपैरिजन में। तो इसका मतलब जो ये वाली पोजीशन पर जो ड्यूटीरियम अटैच है वो एज इट इज रहेगा, हम जो लेफ्ट साइड वाली ऑर्थो पोजीशन है उस पर प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे। अगर आपको ये ध्यान नहीं है और आपने ड्यूटीरियम को हटाकर प्रोडक्ट बना दिया तो आपका समझ लीजिए क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर ये आपने इसमें ये यूज़ किया, हम ड्यूटीरियम को इस साइड कर देते हैं, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और यहाँ पर जो एच था वो CO(O-), ठीक है, ऐसे कर दिया। अब आप देखिए मैंने बताया था कि ये वाला जो एच है वो कहाँ ट्रांसफर होता है, यहाँ पर, ठीक है, और आफ्टर एसिडिफिकेशन ये वाला हाइड्रोजन यहाँ ट्रांसफर होता है। तो क्या होगा, ये डी अपनी जगह एज इट इज रहेगा। मैं यहाँ पर एक गलती कर रहा हूँ, देखिए ये सर हमें रिंग नहीं बनानी चाहिए क्योंकि अदरवाइज कार्बन की बैलेंस ही ज़्यादा हो जाएगी, इस तरीके से लिख दीजिए बस, और कोई गलती नहीं है। क्या होगा, ये एच आ गया, अब रिंग बना सकते हैं और ये CO(OH) आ गया।
ठीक है, इस तरीके से ये एक फाइनल प्रोडक्ट मिल गया आपको इस क्वेश्चन का। अब एक और क्वेश्चन है, उसके बाद आप थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि ये है O माइनस, और यहाँ पर भी ये D अटैच है, और इसमें CO2, और दूसरा पार्ट है D प्लस, यानी जो हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं वहाँ पर D प्लस ले लिया है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, अब आपको आइडिया लग गया होगा। D मैं इस साइड अटैच कर देता हूँ, और ये O माइनस ये मैं यहाँ ले लेता हूँ। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, यहाँ से ये जो H है वो रिमूव होकर कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर जाएगा। तो इसका फाइनल प्रोडक्ट मैं बना देता हूँ, इसके बाद ही इसको छोड़ते हैं। इसका फाइनल प्रोडक्ट होगा इस तरीके से, O ये H और ये D अपनी जगह पर एज इट इज है, और ये हो जाएगा COO D। ठीक है, ये जो D होगा वो किससे आया है, हाइड्रोलिसिस से आया है, जो D प्लस ये दिया हुआ है। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन आते हैं कोल्स रिएक्शन की मैकेनिज्म पर। ठीक है, ओके। तो इसी तरीके से आप अच्छे से अच्छे क्वेश्चन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।